इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहं इत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदद्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य एकसार ब्रह्मसागर जी महामुनिराज की। पूर्व अर्जित पुण्य कर्म का धर्म का फल है, यह अभिमान करने का विषय नहीं है, क्योंकि अभिमान करने से तो उस पुण्य की और कमी हो जाती है। ऐसा विचार करके वह देखते हैं कि इस पुण्य के प्रभाव के कारण से कौन कौन से रत्न उनके यहाँ पर प्रकट होते हैं। ये आगे के दो काव्यों में जो 14 रत्न होते हैं उन 14 रत्नों के नाम उल्लेख किए गए हैं, और इन 14 रत्नों को बताया गया है कि कौन से रत्न कहां प्रकट होते हैं। पहले हम इन दोनों काव्यों को पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे का भाव रखते हैं। शत्रासी दंड सहितं प्रतुचक्र रत्नम् चौदह रत्नों की प्राप्ति
जब अलग अलग जगहों पर उन पुण्यात्मा जीव के लिए हो जाती है तो सबसे प्रथम जो मुख्य रत्न होता है वह कहलाता है चक्र रत्न, और वह चक्र रत्न उसी के साथ में छत्र रत्न, दंड रत्न और असी माने तलवार रत्न, ये चार रत्न उन चक्र के वर्ती की उस आयुधशाला में, उन राजा की आयुधशाला में जब प्रकट होते हैं और उन्हें जब समाचार मिलता है कि आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न अपने आप प्रकट हो गया है, तो उस समाचार को प्राप्त होने से ही उनके लिए यह पूरे राज्य में घोषणा हो जाती है कि अब यह शांति कुमार शांतिनाथ चक्रवर्ती के रूप में हमारे सामने आ गए। चक्र रत्न की प्राप्ति से ही वह चक्रवर्ती बनने की उद्घोषणा होना और उन चक्रवर्ती के माध्यम से यह अपने मन में महसूस करना कि यह हमें बिना मांगे मिला है, मांगने से बड़े बड़े पुण्य नहीं मिलते हैं, इसलिए ये सब हमने अयाचित तया लब्धा, जो हमने बिना याचना के प्राप्त किया है ये पुण्य योग से प्राप्त हुआ है, और इस सब पुण्य योग को वह पूर्व जन्म में किए हुए धर्म पुरुषार्थ का फल समझते हैं और उस धर्म पुरुषार्थ के फल में वह प्रसन्न भी होते हैं कि ताकि दुनिया में भी ये देखने को मिले कि पुण्य के फल से धर्म पुरुषार्थ के फल से कितने बड़े बड़े वैभव हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे शांति कुमार जो अभी तक अर्धमंडलीक राजा थे आज वह शांतिनाथ चक्रवर्ती के रूप में हमारे सामने उनका नाम आता है। ध्वज दंड छत्र रत्न और दंड की
उत्पत्ति और तलवार असी की उत्पत्ति हुई है, ऐसे अब आप आगे क्या आज्ञा है सो आप आगे विचार कर। और शांति कुमार अपने आयुशाला में पहुंचकर उन उत्पन्न हुए रत्नों को देख रहे हैं कि किस तरह ये पुण्य के उपभोग जो कि उन्होंने पिछले 12 भवों से लगातार ऐसे पुण्य कर्म संचय किए जिनका आज वे प्रतिफल देख रहे हैं। और आप सभी भी यह दृश्य देखिए कि कैसे शांति कुमार ने उस समय वास्तव में अपनी आयुशाला में पहुंचकर और ऐसे इन दृश्यों को देखा होगा, कितना अनुभव, कितना वैभवशाली वह क्षण होगा, ये आप सभी अनुभूत करिए। उसमें भी बहुत ही अधिक पुण्य का संचय होने की कामना है। उस वैभव को देखते देखते भी उन्हें पंच परमेष्ठी का स्मरण हो उठता है और वह उस समय पर उस चक्र रत्न की पूजा करने से पहले पंच परमेष्ठी का गुणगान करते हैं, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं और रमोकार मंत्र के माध्यम से उन पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके फिर उस चक्र रत्न की पूजा करते हैं और सबके लिए वहां पर एक रमोकार का मंगलमय वातावरण आता है कि देखो यह चक्र रत्न जो उत्पन्न हुआ है यह इन शांति कुमार के पिछले जन्मों में जो पंच परमेष्ठी की आराधना की गई थी उसके फल से उत्पन्न हुआ है। और इस तरह से प्रजा का हर व्यक्ति कह रहा है धन्य हो आपके लिए यह जो धर्म का फल मिला है, ऐसे धर्म का फल हमको भी प्राप्त हो, इसलिए हर कोई आपस में बातचीत कर रहा है। देखो पाप नहीं करो, ज्यादा अर्थ और काम के चक्कर में मत पड़ो, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करो और धर्म पुरुषार्थ करने के लिए जो 10 धर्म के 10 दिन आ रहे हैं उनमें सबसे पहले बनाकर चलो और धर्म पुरुषार्थ करने के लिए तैयार रहो। ऐसी भावना सब आपस में कर रहे हैं और सब प्रजाजन मिलकर के धर्म पुरुषार्थ की भावना करते हुए वहां पर एक मंगलमय वातावरण बनता है और सब लोग रमोकार मंत्र की महिमा को समझने के लिए गुणगान करने लग जाते हैं कि पंच परमेष्ठी की आराधना ही धर्म है और उस धर्म के फल से ही हमें ऐसे वैभव प्राप्त होते हैं। तो सब लोग वहां पर रमोकार मंत्र की इस तरह की गुणगान की एक प्रक्रिया करते हैं और सबके मुंह पर वह रमोकार मंत्र होता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। और वे राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह समझते हुए वहां पर वह राजा सारी प्रजा के सामने खड़े होकर के यह कहने लग जाते हैं, क्योंकि प्रजा उनके लिए पुत्र की तरह पालन करने में आती है, इसलिए वो कहते हैं आओ बच्चों तुम्हें सिखाए नमो कार का ध्यान। Oh,
इससे भी बढ़कर के आगे 14 रत्नों की जानकारी, 9 निधियों की जानकारी आपको आगे देखने और सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए आप आज जो 16 कारण की भावनाएं हैं उनका स्मरण करेंगे और आगे देखने के लिए तैयार रहेंगे। आज एक नई भावना प्रारंभ होती है, ज्ञान भावना। संवर्तत्व समादर करता नित्य निर्जरा को चाहे आत्म का वह रसिक बना है आत्म भावना को भाए इसको लगने लगी आत्म की शिवपत को जो चाह रहा ज्ञान भावना दीन ये दीव ज्ञान अमृत रस पाग रहा ज्ञान सुगुण से भरा हुआ है आत्म पूरा चारों स्वभाव को यो विचार कर अन्य विषय पर ना है गौर निश्चय विषय को जो नित्य गेय बात ही जान रहा वह विरक्त साधु ही जग में ज्ञान भावना मान रहा सम्यक दर्शन और चरित में सम्यक ज्ञान प्रमुख माना यदि संभाले दोनों गुण को इसीलिए नायक माना सम्यक चारित पालन करता नित रक्षण में भी दे ध्यान सम्यक दृष्टि वह अवश्य ही भाता रहता ज्ञान प्रमाण शुद्धात्म परमात्म भावना की वश जो भी करता है वह अभीष्ट ज्ञानी माना भविजन मन को वरता है वैसे तो सिद्धांत शास्त्र में 5 ज्ञान गाए जाते मत श्रुत अवधि मन में परे और केवल ज्ञान नाम पाते किंतु ज्ञान शुद्ध भाव रूप से परिणत होता मात्र यही इसी भाव में परिणत ज्ञान निजान बुद्धि का पात्र सही जो कुछ हमें दिखाई देता वह पदार्थ मम रूप नहीं मैं शरीर ना वचन रूप ना कर्म रूप मन रूप नहीं एकाग्र करके पूरी भावनाओं के साथ आंख बंद करके इसे जाप को करेंगे। ओम रीम अरम ज्ञान भावना ममास्तु सभी मन में उच्चरित करेंगे। ओम रीम अरम ज्ञान भावना ओम रीम अरम ज्ञान भावना ममास्तु ओम रीम अरम ज्ञान भावना ममास्तु ओम रीम अरम ज्ञान भावना ममास्तु ओम रीम अरम ज्ञान भावना 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 ओम रीम अरम ज्ञान भावना
ज्ञान भावना, ओम ह्रीं वरम 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 ज्ञान भावना, नमस्तु ह्रीं वरम ज्ञान भावना, नमस्तु। शांतिनाथ भगवान का चक्रवर्ती होने का वर्णन, उनका जो प्रारंभ होता है वह चक्र रत्न, छत्र रत्न, दंड रत्न, असी रत्न, ये चार रत्न उन्हें आयुधशाला में प्राप्त होते हैं। आयुधशाला यानी अस्त्र शस्त्रों की ही एक शाला होती है और उस शाला में यह रत्न उन्हें जब प्राप्त होते हैं तो इसी से उनके चक्रवर्ती पने की सूचना उन्हें मिल जाती है, जो आपने कल अच्छे ढंग से देख भी ली थी और जान भी ली थी। वही जब चक्रवर्ती फिर इन सब रत्नों को प्राप्त कर लेते हैं तो उन रत्नों का प्रभाव उन्हें जो दिखाई देता है, वह एक दिग्विजय यात्रा करते हैं और उस दिग्विजय यात्रा के दौरान ये सारे रत्न उनके काम में आते हैं। जब हाथ में कुछ होता है तभी कहीं बाहर निकला जाता है, नहीं समझे? जब पहले कुछ हाथ में आ जाए तब किसी विजय को प्राप्त करने के लिए निकलें, कुछ कॉन्फिडेंस हो, कुछ अपने हाथ में ऐसी शक्तियां हो, तब जा कर के हम कोई दूसरों से कुछ अपना आदेश दें, कुछ बात कहें तो वो मान्य होती है। इसलिए जैसे अपने पास में शक्तियां होना जरूरी है और उन शक्तियों के प्रभाव से फिर अपनी शक्ति को दिखाना भी जरूरी होता है, उसी तरह से यह चक्रवर्ती भी पहले तो अपने पुण्य से शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और फिर उन शक्तियों को बताने के लिए कि मैं हूँ यहाँ का राजकुमार, नहीं सुना? हम हैं यहाँ के राजकुमार। ऐसा हुए राजकुमार बनकर के निकलते हैं और जितने भी छह खंडों की वह यात्रा होती है वह छह खंड की यात्रा पूरी कर लेते हैं। उन छह खंड की यात्रा में उन्हें बहुत कुछ मिलता है, जो विशाल विशाल समुद्र होते हैं उन समुद्र के भी कुछ भाग तक वह चले जाते हैं और नदियों में भी वह चले जाते हैं, नदियों भी उनके ही अंडर में आती हैं।
एक बहुत बड़ा विजयार्थ पर्वत होता है, उस विजयार्थ पर्वत के इस ओर और उस ओर दोनों ओर जाकर के वह अनेक जो बीच में मिलेच्छ खंड पड़ते हैं उन मिलेच्छ राजाओं पर भी अपना स्वामित्व जमा लेते हैं, क्योंकि आर्य खंड तो एक ही है, बाकी के पांच तो मिलेच्छ खंड होते हैं। तो वह छह खंडों के स्वामी कहलाते हैं सठ खंडाधिपति, और उन छह खंडों में जितने भी राजा होते हैं, जितने भी देव आदि भी कहीं कहीं समुद्रों में पर्वतों पर अपना एक स्वामित्व बनाए रखते हैं, तो उन देवों को भी वो अपने अंडर में रखते हैं और देव भी उनकी आज्ञा को मानते हैं। ऐसे छह खंडों का वह अधिपतित्व करते हैं, चारों दिशाओं में निकलते हैं जीतने के लिए क्रम क्रम से, अभी पूरब दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, और रास्ते में जो कुछ भी आएगा, जितने भी बड़े बड़े राज्य होंगे या कोई भी बड़े बड़े पर्वत होंगे, गुफाएं होंगी, उनमें चाहे देव रह रहे हों और चाहे मनुष्यों का शासन चल रहा हो, वो सब के सब एक ही को स्वामी मानेंगे, जिनका नाम होगा शांतिनाथ चक्रवर्ती। और कोई बीच में अपना स्वामित्व रख नहीं सकता है, और उसे अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए इनकी शरण में आ जाना पड़ता है। तो बहुत से लोग तो इतना बड़ा वैभव लेकर के निकलते हैं कि उनका वो टीम टाम देख करके ही बहुत से लोग सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, कि भाई हाँ, इतने बड़े राजा के पास अगर हम अपनी कोई भी बात की मनाही करेंगे तो अपने लिए हानि पहुँचेगी, और आदेश आने से पहले ही बहुत से लोग बिल्कुल समर्पित होकर के हाथ जोड़ करके उनके पास पहुंच जाते हैं, प्रभु आप यहाँ पधारे, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम तो ऐसा इंतजार कर ही रहे थे, प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि हमारे स्वामी यहाँ पर आएं और हम उनके लिए कुछ बहुमूल्य भेंट अर्पित करें। ऐसा विचार करके बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा उनके लिए अपने आप समर्पित होकर के आ जाते हैं, और ऐसे ही नहीं आ जाते हैं केवल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, जो अपने पास में बहुमूल्य चीजें होती हैं वो बहुमूल्य चीजें लेकर के आते हैं, क्योंकि उन राजा को भी पता होता है कि इन राजा के पास में क्या बहुमूल्य चीजें हो सकती हैं। हर जगह की अपनी अपनी बहुमूल्य चीजें होती हैं। मान लो किसी राजा के यहाँ पर खदानें हैं बड़ी बड़ी उसके अंडर में, तो उसके यहाँ क्या होगा, पन्ना के रत्न निकल रहे हों, मूंगा के रत्न निकल रहे हों, है ना, वैडूर मणि के ऐसे रत्न हो। तो ऐसा नहीं है कि वो छिपा करके रखे और राजा से कहे कि बस मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सब आपका ही, और चले जाइए। वो भेंट करने के लिए उन बड़े बड़े बहुमूल्य रत्नों को जो उसके पास में है वो उनके पास लाएगा, और अपने से कोई भी चीज नहीं छुपाएगा। वह जानता है कि जितना बड़ा यह चक्रवर्ती है, जितने बड़े ये राजा हैं, हम इनको जितनी अच्छी भेंट देंगे उससे अच्छी भेंट हमें इनसे रिटर्न में मिलेगी, इसलिए वह सब अच्छी अच्छी बहुमूल्य वस्तुएं उन्हें जाकर के समर्पित कर देता है, और जितने भी राजा बीच में मिलते हैं उनके पास में जो कुछ भी चेतन या अचेतन, जो कुछ अच्छे से अच्छा हो सकता है, राजा को प्रसन्न करना सबसे बड़ी चीज है। क्या समझ में आ रहा है, राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, एक वाक्य याद कर लो, क्या कहा, हाँ, अगर राजा प्रसन्न है तो गज भूमि सब दान दे देगा, सब दे देगा, इसलिए राजा को प्रसन्न करना हर एक छोटे राजा का कर्तव्य होता है, और वह अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए कई राजा तो अपनी सुंदर सुंदर पुत्रियां उनके लिए लाकर के समर्पित कर देते हैं कि हमारा अहो भाग, कि हमारा धन्य भाग कि आप जैसे चक्रवर्ती, आप जैसे कुरुवंशी ऐसे महापुरुष के लिए हमारी बेटी आपके साथ में विवाह को प्राप्त होगी, ये हमारे लिए बहुत धन्य भाग्य की बात है, और ऐसी हजारों बेटियां उनके लिए समर्पित हो जाती हैं। सुन रहे हो, यहां बात इकाई दुकाई में नहीं चलती है, हाँ, यह सब बातें हजारों लाखों में चलती हैं, करोड़ों से बोली शुरू होती है। यह चक्रवर्ती के दरबार में इस तरह की
जो हमें चीजें देखने को मिलती हैं उनमें आपने कल पढ़ा था यहाँ काव्य नंबर 33 में कुछ रत्नों की बात कही थी। ये रत्न जिनमें ये चक्र रत्न, छत्र रत्न, दंड रत्न, असी रत्न, ये पहली लाइन में जो चार रत्न लिखे हुए हैं, ये चार रत्न उन्हें आयुधशाला में स्वयं प्राप्त होते हैं। और इन रत्नों के काम क्या होते हैं ये भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जो इसमें चक्र रत्न लिखा हुआ है, यह चक्र रत्न जिसे आप सबसे पहले सिरमौर समझते हैं और सबसे आगे रखते हैं, और चक्र रत्न की उत्पत्ति होने का मतलब ही चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व का उत्पन्न हो जाना कहलाता है। ऐसा यह चक्र रत्न अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि यह चक्र रत्न जब ये दिग्विजय की यात्रा करने निकलते हैं तो ये आगे आगे चलता है, पीछे नहीं चलता। कहां चलता है? आगे आगे। और इस चक्र रत्न की जो बीच में, उसकी चक्र रत्न के बीच में क्या बोलते हो आप लोग, तीलियां बनी होती हैं, धारियां बनी होती हैं, है ना, उनकी प्रभा, उसकी कांति और वह घूमता हुआ चक्र रत्न इस बात का प्रतीक होता है कि इनके आगे कोई भी बैर भाव लेकर के नहीं आना, नहीं तो सर कलम। समझ में आ रहा है? किसी का होता नहीं है, लेकिन वह इस बात का सूचक होता है, इतना वह अपने आप में तेज पुंज होता है और वह देवों के द्वारा रक्षित होता है। घूमता हुआ वह चक्र रत्न आगे आगे जहां से निकल जाता है उसको देख कर के ही सब राजा लोग अपने आप में समझ लेते हैं कि यह बहुत बड़े राजा हैं, यह चक्रवर्ती राजा हैं, इनसे उलझने की कोशिश नहीं करना, और अगर उलझे तो फिर अपनी खैर नहीं है। ऐसा विचार करके उस चक्र रत्न के माध्यम से ही अनेक प्रकार के जो विरोधी राजा होते हैं उनका संहार करने की उसमें क्षमता होती है, उनका विनाश करने की उसमें क्षमता होती है। ऐसे इस चक्र रत्न को आगे लेकर के वह चला करते हैं, और जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो बस केवल चक्र रत्न को दिखा देने से ही या उसको आगे चलने से ही सब काम हो जाते हैं। बहुत कम होता है जहां कोई थोड़ा बहुत उन्हें कहीं पर कोई अलग से थोड़ी सी गुस्सा करके उन्हें कोई संदेश भेजना पड़े। ज्यादातर तो चक्र रत्न के माध्यम से वह विजय यात्रा चलती चली जाती है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, ज्यादातर लोग अपने आप उनके प्रभाव में आकर के उन्हें अपने आप में समर्पित करते चले जाते हैं। कहीं कहीं होता है जब समुद्र की सीमाओं में प्रवेश करते हैं तो वहां पर देव लोगों का राज्य होता है, माघध जाति के वो देव कहलाते हैं, उनको भी अपने वश में करना होता है। वो अपने महल में, अपने भवन में अलग बैठे हुए होते हैं, तो उनको बस में करने के लिए यहीं से चक्रवर्ती अपने उस तट से, समुद्र के तट से ही, समुद्र के अंदर जो उसका महल बना हुआ होता है, वह जब अपने पास में नहीं आता है वह देव, तो उस देव को सूचना दी जाती है। कैसे? कोई देवदूत सूचना देने के लिए नहीं पहुंचाए जाते हैं, राजदूत नहीं पहुंचाए जाते हैं, जैसे लोग होते हैं उनकी खातिरी वैसी भी की जाती है। नहीं समझ में आया? उन देव के यहां पर सूचना पहुंचती है कि लवण समुद्र के तट पर चक्रवर्ती आके खड़ा हो गया है और तुम अभी तक घर से निकल करके नहीं आए, अपने आप को समर्पित नहीं किए, तो चक्रवर्ती के यहां से एक बाण फेंका जाता है और उस बाण में इस संदेश लिखा होता है, चक्रवर्ती तट के निकट आने वाले हैं। सृजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारै राणम सौख मणंतम धरिय
सासद मोख पदम पावै सासद मोख पदम पावै। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।